नया चेंज करने वाला हूँ हार्ट्स, और वो भी कुछ मॉब्स के, और फिर देखते हैं उसके बाद क्या होता है। तो जो पहले दो मॉब्स जिनके ऊपर मैं एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ वो है ज़ॉम्बी और विलेजर, और इनका हार्ट बाहर निकालने के लिए मैं यूज करने वाला हूँ एक हथियार का जो कि है शियर। तो एक काम करता हूँ, पहले मैं निकालता हूँ यहाँ पे ज़ॉम्बी का हार्ट और फिर उसके बाद मैं निकालता हूँ विलेजर का हार्ट, और इन दोनों को मिला के मैं यहाँ पे टोटल 12 मॉब्स का हार्ट चेंज करने वाला हूँ। और देखो ये रहा एक ज़ॉम्बी का हार्ट और ये रहा एक विलेजर का हार्ट। और देखो तुम लोग ज़ॉम्बी को इतना गंदा गंदा बोलते हो, लेकिन यहाँ पे देखो ज़ॉम्बी का हार्ट और विलेजर का हार्ट पूरा सेम सेम है। तो काम करता हूँ, अब टाइम आ चुका है इनके हार्ट को एक्सचेंज करने का, और ये रहा एक ज़ॉम्बी का हार्ट विलेजर के अंदर और विलेजर का हार्ट ज़ॉम्बी के अंदर। और क्या बात है, देखो यहाँ पे मेरा एक्सपेरिमेंट पूरा कंप्लीट हो चुका है और अब बस मैं वेट कर रहा हूँ कि इन लोगों का रिएक्शन क्या होता है। देखो यहाँ पे तो भागने लग गए ज़ॉम्बी। अरे यार भाई तो भाग रहे इस गांव के साइड में, तो काम करता हूँ मैं भी भागता हूँ उसके पीछे पीछे। अरे यार भाई ये कर क्या रहा है? अच्छा देखो यहाँ पे ये गया है एक विलेजर के पास और इसको इसने दिया है बहुत सारे एमरल्ड्स। अरे यार लगता है ज़ॉम्बी पूरा पागल हो चुका है, और अब भाई ये घुस रहा है कोई तो घर के अंदर, और अभी शायद इसको याद आ चुका है कि ये इसका पहले वाला घर था। और अब देखते हैं कि हम लोग का विलेजर क्या कर रहा है। अरे यार देखो ये तो अभी यहाँ पे चलना स्टार्ट हो चुका है, और वैसे तो ज़ॉम्बी चलते ही है दिन में। और देखो अब इसने लिया है पंगा यहाँ पे आयरन गोलम से, और आयरन गोलम क्या मार रहा है इसको नॉन स्टॉप। और अब देखो बस ये रहा आखिरी फाइट, और क्या मार रहा है इसको। या तो देखो अब यहाँ पे हम लोग का एक्सपेरिमेंट वन तो खत्म हो चुका है, और अब बारी है बचे हुए 10 मॉब्स की। काम करता हूँ पहले तो मैं यहाँ पे स्पिन करता हूँ उस व्हील को, और अब देखते हैं कि नेक्स्ट यहाँ पे कौन से आते हैं दो मॉब। और अभी हम लोग के नेक्स्ट मॉब होने वाले वुल्फ और स्केलेटन। अगर अभी मुझे यहाँ पे ढूंढना स्केलेटन को, तो उसके लिए मैं पहुंचूंगा एक केव में। और ये रहा देखो यहाँ पे स्केलेटन। अरे भाई तू मार क्यों रहा है, रुक रुक। काम करता हूँ मैं इसको ग्रैब करता हूँ अपने हाथ से, और अब देखो ये आ चुका है भाई मेरी गोद में, और देखो एकदम क्यूट सा बच्चा टाइप का दिख रहा है। काम करता हूँ इसको लेके चलता हूँ बाहर, और अब मुझे चाहिए एक वुल्फ और ये रहा एक वुल्फ, और इसको लेके आना बहुत ज्यादा आसान था स्केलेटन से। और अब टाइम आ चुका है लोग के हार्ट बाहर निकालने का, तो एक काम करता हूँ अभी पहले किसका निकालू किसका निकालू। अरे यार कुत्ता तो यहाँ से भागने लग गया। अरे रुक रुक। अरे यार ये तो भाग मिलकर भाग निकला। अरे यार भाई ऐसे बोलने से रुकेगा नहीं वो। यार काम करता हूँ जाके उसको हाथ से लेके आता हूँ। अरे यार कहीं ये फ्लैश का कुत्ता तो नहीं है। और अब इसको पकड़ने के लिए चाहिए कार, जो की मैं लेके आ चुका हूँ डैश की, और मैंने उसको बताया नहीं है यार। तो काम करता हूँ उस पे बैठता हूँ उससे पहले की वो आ जाए इधर, और शायद इस साइड में था। तो एक काम करता हूँ इस साइड में चलता हूँ 500 की स्पीड से। अरे यार मैं इसको बहुत टाइम से ढूंढ रहा हूँ, रुको रुको। ये रहा देखो एक गड्ढा। यार काम करता हूँ खुदता हूँ पहले, और अभी शायद वो कुत्ता इसी गड्ढे के अंदर है। और ये रहा देखो कुत्ता। अच्छा बेटा इधर दूर तक है तू, भाग के आ गया, रुक रुक। अरे और कितना भागेगा पीटी उषा के भतीजे, और लेके चलते हैं इसको। अरे यार कम से कम स्केलेटन से सीख लेता कुछ, देख यार कितनी अच्छी लाश की एक्टिंग कर रहे हो। तो काम करता हूँ पहले तो मैं निकालता हूँ यहाँ पे वुल्फ का हार्ट, और फिर मैं निकालता हूँ यहाँ पे स्केलेटन का। और देखो अभी डॉग का हार्ट आ चुका है बाहर। और एक मिनट भाई यहाँ पे देखो यार ये स्केलेटन का हार्ट कहाँ से आया बाहर। अरे भाई इसके पेट से आया शायद। तो काम करता हूँ इसको भी रखता हूँ अपने पास, और अभी यहाँ पे इनको एक्सचेंज करने का टाइम आ चुका है। और ये रहा स्केलेटन का हार्ट वुल्फ के अंदर, और वुल्फ का हार्ट स्केलेटन के अंदर, और शायद ये वाला ऑपरेशन भी सक्सेसफुल रहा। अरे यार भाई लेकिन ये लोग हिल क्यों नहीं रहे। अरे यार कुछ तो करो कम से कम। अरे यार मार कौन रहा है एरो। अरे यार भाई तो डॉग था। अरे यार भाई निकाल कहाँ से रहा है एरो। यार क्या मार रहे इसे मेरे पैर में। अरे यार देखो अभी यहाँ पे बीच में आ चुका स्केलेटन, और क्या मार रहे हैं डॉग को। अरे यार भाई देखो आज मैं बोल सकता हूँ कि भाई स्केलेटन मेरा बहुत अच्छा पेट है। अरे यार क्या मार रही है डॉग को। और देखो आखिरकार इसने इसको कर दिया खत्म। तो काम करता हूँ अब इसको कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए। तो काम करता हूँ मैं इसको दूंगा बोन, और अब देखते हैं कि ये रखता है कि नहीं रखता है बोन को। और इसने रख लिया हड्डी। अरे यार भाई क्या बेवकूफ स्केलेटन है। अरे यार भाई अभी जात वालों की हड्डी कौन रखता है। और अभी बाहर जाके बोल सकता है कि अब इसके पास 207 हड्डी है। और अब फिर से टाइम आ चुका है इस व्हील को स्पिन करने का, और अब देखते हैं कि कौन से दो मॉब्स में आता है। और इस बार ये आया काऊ और क्रीपर में, और अभी मैं यहाँ पे लेके आ चुका है काऊ और एक क्रीपर को। और देखो कैसे लेटे हुए हैं लोग। अरे यार भाई गाय को तो देखो यार, देखो उसने अपने हाथ पैर कैसे करके रखा है। और अब यहाँ पे टाइम आ चुका है इनके हार्ट बाहर निकालने का, लेकिन एक मिनट भाई मेरे पास तो यहाँ पे शियर ही नहीं है। क्या लगता है मुझे यहाँ पे एक नया बनाना पड़ेगा शियर। अरे यार लेकिन कौन जाके अभी यहाँ पे करेगा माइनिंग। तो एक काम करता हूँ अब मैं चलता हूँ विलेजर के घर के अंदर, और देखो यहाँ पे क्राफ्टिंग टेबल और बेड बेड है, और ये रहा इसका चेस्ट, और शायद इसके अंदर मुझे मिलना चाहिए। ओ देखो यहाँ पे तीन तीन आयरन इंगट। तो काम करता हूँ मैं इसको डालता हूँ क्राफ्टिंग टेबल के अंदर, और अभी यहाँ से बनाते शियर। अरे लेकिन यार ये तो नॉर्मल वाला शियर है। अरे यार अभी इसको एन्चांट करना होगा, और उसके लिए मुझे यहाँ पे चाहिए लैपिस। तो काम करता हूँ किसी और के घर पे घुसता हूँ, और ये रहा लैपिस। तो काम करता हूँ इसको रखता हूँ अपने पास। या लेकिन अब यहाँ पे एन्चांटमेंट टेबल भी तो चाहिए, और उसके लिए बेस्ट आदमी है डैश। तो अभी देखो मैं आ चुका उसके घर के बाहर। या लेकिन रुको रुको यहाँ पे बॉडीगार्ड क्यों है। अरे तू आगे नहीं आ सकता, तू यहाँ से बैठ। अच्छा देखो यहाँ पे इसने बोर्ड रखा है, और इसमें लिखा है नो राहुल जोन। अरे और एक और साइन बोर्ड है, और इसमें लिखा हुआ है कार चोर राहुल। अरे यार शिट इस चीज के बारे में तो भूल गया था। और अब अगर मैं आगे से नहीं घुस पाया तो मैं जाऊंगा पीछे वाले रास्ते से। या तो देखो मैं यहाँ पे लिखा चुका सैंड, और एक काम करता हूँ ये वाली जगह एकदम परफेक्ट है। तो एक काम करता हूँ यहाँ पे लगा तो कुछ ब्लॉक, और अब चलते हैं इसके फर्स्ट वाले फ्लोर में। और एक काम करता हूँ पहले यहाँ पे तोड़ता हूँ कांच, और देखो मैं यहाँ पे आ चुका अंदर, और ये रहा इसका एन्चेंटमेंट टेबल। तो काम करते बस इसको फोड़ता हूँ और यहाँ से लेके भागता हूँ। तो काम करता हूँ रखता हूँ इस एन्चेंटमेंट टेबल को, और अब इसके अंदर डालते शेयर और लैपिस। और अब यहाँ पे इस शेयर को मिल चुका है एन्चेंटमेंट। तो काम करता हूँ अब इसको यूज करने का टाइम आ चुका है इन लोग पे। तो काम करता हूँ पहले तो मैं यहाँ पे
निकालता हूँ इस काउ का हार्ट, फिर मैं निकालता हूँ इस क्रीपर का हार्ट, और देखो यहाँ पे आ चुका है गाय का हार्ट। अरे यार लेकिन गाय का हार्ट पीछे से क्यों आ रहा है यार, तो काम करता हूँ इसको रखता हूँ पहले अपने पास, और ये रहा देखो क्रीपर का हार्ट। तो काम करता हूँ अभी यहाँ पे टाइम आ चुका है कि इनके हार्ट को स्वाइप किया जाए। तो ये रहा क्रीपर का हार्ट काउ में और काउ का हार्ट क्रीपर में, और देख और अब देखो यहाँ पे हम लोग का याला ऑपरेशन भी हो चुका है सक्सेसफुल। अरे यार वो गाय तो ऑलरेडी भाग चुका है। अरे यार और एक क्रीपर मेरा मुंह क्यों देख रहा है, हट इसको मारता हूँ एक फाइट। अरे यार ये तो भाग रहा है जबकि इसको यहाँ पे फटना चाहिए। अच्छा देखो अभी ना शायद इसके अंदर पूरा काउ आ चुका है, तो काम करता हूँ मैं निकालता हूँ वीट। अरे भाई देखो वीट को यहाँ पे सूंघते सूंघते आ चुका है ये। अरे यार अभी देखो यार मेरे पीछे पीछे कैसे इधर भाग रहे हैं गाय की तरह। यार भाई ये तो क्रीपर की बॉडी में गाय है, तो काम करता हूँ इसको मैं अपने पीछे पीछे लेके आता हूँ, और अगर ये अभी भी अंदर से गाय है अरे यार तो मैं इसको मिल्क भी तो कर सकता हूँ। तो काम करता हूँ मैं निकालता हूँ एक बकेट, और देखो यहाँ पे आ चुका है इसका मिल्क, ये तो भाई ग्रीन ग्रीन कलर का है। तो काम करता हूँ एक बार इसको पीने का ट्राई करता हूँ, छींची भाई बहुत गंदा इसका टेस्ट यार। तो काम करता हूँ इसको फेंको फेंको भी। अरे और देखो यहाँ पे आजू बाजू में पूरा फैल चुका है ग्रीन ग्रीन दूध, और अब जाके मुझे ढूंढना होगा भाई उस काऊ को। अरे कहाँ है वो, अरे अभी देखो उस साइड में यार। तो काम करता हूँ, अरे भाई कहाँ भाग रहा था ये, तुमको एक मिनट भाई कर क्या रहा है ये यार, बहुत बहुत रहेगा कुछ। अरे नहीं नहीं देखो यहाँ पे तो उसने उड़ दिया टीएनटी। अरे यार भाई देखो आखिरकार इसके अंदर हार्ट जो है भाई वो क्रीपर का ही तो है। अरे यार देखो बाहर आ चुका है, और एक मिनट देखो मुझे अभी यहाँ पे कुछ तो जलने की स्मेल आ रही है। अरे भाई देखो कुछ तो अभी फोड़ रही है गाय। अरे भाई देखो यहाँ पे इसने कुछ तो और फोड़ा भी। अरे यार अभी मेरे साइड क्यों आ रहे भागते हुए। अरे नहीं यार भाई से भागना होगा दूर यार। तो काम करता हूँ मैं घुसता हूँ अपने घर के अंदर। यार ये तो यार मेरे पीछे पीछे यार, काम करता हूँ आता हूँ अंदर और छोड़ दो बंद। अरे बेटा अब बाकी दिखाना अंदर, और अब देखो यार ये अंदर तो नहीं आ पाएगा। अरे अब तू कितना भी ट्राई कर ले तू अभी मेरे घर के अंदर आ ही नहीं पाएगा। और अभी देखो ये भाग चुका है यहाँ से। तो काम करता हूँ मैं खोलता हूँ अपना चेस्ट, और देखो इसके अंदर मैंने रखा है ब्लॉक ऑफ गोल्ड। यार काम करता हूँ इसको रखता हूँ अपने पास, और अभी इसको बेचने का टाइम आ चुका है। एक मिनट ये कौन है मेरे पीछे, तो भाई तो गाय है यार। भाई अंदर कब और कैसे आया। अरे यार ये मेरे घर के अंदर क्यों फोड़ रहे टीएनटी यार, भागना होगा मुझे बाहर। अरे मेरे आंखों के सामने इसने मेरा घर यहाँ पे फोड़ दिया पूरा। अरे यार अब ना इसका बहुत हो चुका है। तो काम करता हूँ मैं निकालता हूँ अपनी डायमंड की सॉर्ड, और अब तू रुक, और अभी देखो क्या मारता हूँ इसको। और ये रहा एक आखिरी, और यहाँ पे मैंने इसको कर दिया खत्म। भाई इसने पूरा मेरा दिमाग खराब कर दिया था अभी। और एक मिनट देखो यहाँ पे इसे कुछ तो ड्रॉप किया ये गन पाउडर, और अब यहाँ पे टाइम आ चुका है बाकी के मॉब्स को भी यूज करने का। तो काम करता हूँ मैं यहाँ पे करता हूँ स्पिन, और इस बार ही आया हम लोग का आयरन गोलम और विदर। और अभी देखो ऑलरेडी मैं यहाँ पे एक आयरन गोलम को तो लेके आ चुका हूँ बाजू वाले गाँव से, या लेकिन अब मुझे यहाँ पे विदर को स्पॉन करना होगा। तो काम करता हूँ देखो उसके लिए मैं यहाँ पे लेके आया हूँ सोल सैंड और साथ में कुछ हेड। तो काम करता हूँ यहाँ पे लगाता हूँ मैं सोल सैंड को, और अभी यहाँ पे लगाता हूँ मैं पहला हेड, दूसरा, और ये रहा आखिरी वाला हेड। और देखो यहाँ पे अभी बनना स्टार्ट हो चुका है ये यार, लेकिन बस अब मुझे कुछ देर और वेट करना होगा। अरे यार ये तो पैदा होते मारना स्टार्ट कर रहे है। अरे यार भाई देखो यहाँ पे तो गाय को भी इसने मार दिया। अरे यार ये भाग कर रहा है। अच्छा देखो यहाँ पे इसको और भी मिले मॉब्स। या तो काम करता हूँ मैं इसको मार दो बो एंड एरो से। अरे यार भाई तो गुस्सा हो चुका है। अरे यार मेरे पीछे भी भाग रहा है। तो काम करता हूँ एक आधा शॉट और मार दो इसको। अरे यार अभी मेरे पीछे भी आ चुका है। तो काम करता हूँ मैं छुपता हूँ इस पेड़ के पीछे। यार अब नहीं आएगा शायद। वो देखो जस्ट यार मेरे पेड़ के एकदम टॉप पे ही है, और अब लगता है कि ऐसे नहीं मारने वाला। मैं अब आ चुका हूँ इस केव के अंदर। देखो यहाँ पे बहुत सारा लावा है। तो काम करता हूँ इसको मैं भरता हूँ अपने बकेट के अंदर, और अब इसको लेके आता हूँ इस गड्ढे के आसपास। और देखो यहाँ पे अभी आसपास में नहीं है। तो काम करता हूँ पूरे पूरे गड्ढे को भर देता हूँ मैं लावा से, और ये रहा वो इधर। तो काम करता हूँ मैं इसको मारता हूँ एक एरो, और अभी देखो यहाँ पे आ चुका है। और अब बस मुझे कैसे भी करके इसको डालना है इस लावा के अंदर। अरे आ जा भाई। अरे यार शिट यार तो और भी ज्यादा गुस्सा हो चुका है यार। भाई आ जा अंदर। अरे यार ये तो मेरे पीछे भी जाग रहा है बस। यार अब लगता है ये वाला प्लान भी यहाँ पे फ्लॉप हो चुका है, और अब मुझे यहाँ पे यूज करना पड़ेगा हम लोग का आखिरी वाला प्लान। और उसके लिए मैं यहाँ पे लेके आ चुका हूँ रॉकेट लॉन्चर। तो काम करता हूँ अभी इसको करता हूँ इसके ऊपर एम, और यहाँ पे इसको मारता हूँ एक फर्स्ट शॉट। और देखो यार यहाँ पे इसको बहुत गंदा डैमेज हो चुका है यार, लेकिन अभी भाग रहा है मेरे पीछे पीछे। यार देखो बस एक आखिरी वाला शॉट बाकी है, और इसमें मुझे इसको करना पड़ेगा खत्म। और अब देखो आखिरकार यार यहाँ पे लेट चुका है, और देखो जस्ट अभी इसके बाजू में आयरन गोलम भी है। तो काम करता हूँ मैं निकालता हूँ अपना शेयर, और उसके बाद पहले मैं यहाँ पे हार्ट निकालूंगा इस आयरन गोलम का, और फिर उसके बाद मैं निकालूंगा विदर का। और अभी देखो यहाँ पे आ चुके हैं इन लोग के हार्ट, और अब यहाँ पे टाइम आ चुका है कि अभी इनके हार्ट को मैं कर दूं एक्सचेंज। तो ये रहा विदर का हार्ट आयरन गोलम में, और आयरन गोलम का हार्ट विदर के अंदर। और अभी देखो ये लोग अभी मेरे पीछे आके खड़े हो चुके हैं, और अब देखते हैं कि इनमें से कौन अभी क्या क्या करता है। अरे और एक मिनट देखो यहाँ पे आयरन गोलम को क्या हो चुका है। अरे यार भाई तो आसमान में उड़ने लगा, और देखो साथ में यहाँ पे कुछ तो मार रही है। अरे यार अब लगता है कि इसके अंदर विदर की आत्मा आ चुकी है। अरे भाई ये क्या मार रहा है। अरे यार देखो अभी जो कोई भी इसको दिख रहा है अपने रास्ते में भाई उन सबको मार रहा है। और देखो अब तो ये पहुंच चुका है गांव तक के, और यहाँ पे क्या मार रहा है यहाँ पे पूरे गांव वालों को, और साथ में खास करके आयरन गोलम को। अरे यार भाई अपनी सेम सेम जात वालों को कौन मारता है। अरे यार इसने अभी पूरे पूरे गांव के गोलम को मार दिया है। अरे यार लेकिन अब इसको रोकेगा कौन। अरे कौन है बे। अरे देखो ये रहा विदर। अरे यार भाई तो फ्लाई भी नहीं कर पा रहा है। अरे यार भाई तू मुझे मत देख। अरे तो जा भी उस आयरन गोलम को रोक यार। भाई देख उसने पूरा पूरा एक गांव यहाँ पे फोड़ के
रखा है और अब लगता है कि मेरी बात मान चुका है। और अभी क्या फाइटिंग हो रही है देखो इन लोगों के बीच में, और क्या मार रही विदर इसको, और देखो यहाँ पे से कर दिया खत्म इस आयरन गोलम को, और देखो अभी यहाँ पे इन गाँव वालों को भी कुछ नहीं कर रही है। अरे वहाँ काला काला गोलम अच्छा है भाई, और लगता है कि अभी ये गाँव में बहुत ज्यादा खुश है। और अब यहाँ पे बारी है नेक्स्ट दो मॉब्स की, तो काम कर दो एक बार और मैं स्पिन कर दो इस व्हील को, और इस बार ये आया एक फिश और एक बैट पे, तो काम कर दो सबसे पहले मैं लेकर आता हूँ फिश, और उसके लिए मुझे चाहिए बहुत सारा पानी, और ये रहा देखो आगे में बहुत सारा पानी है। लेकिन एक काम करो उससे पहले तुम लोग कमेंट में जाओ और मुझे बताओ कि मुझे और कौन से मॉब को यूज करना चाहिए, और अगर तुमको इसका पार्ट टू देखना है तो मुझे इस वीडियो में चाहिए 10K लाइक्स, और शायद कहीं इसके आसपास तो नहीं छुपे। अच्छा ये रहे देखो यहाँ पे बहुत सारे स्क्विड भी है, तो काम करूंगा मैं इसको यूज करूंगा पार्ट टू में। या लेकिन एक काम करो तो पहले तो यहाँ पे मैं लेकर आता हूँ फिश को, और ये रहा देखो मेरे हाथ में आ चुका एक फिश, तो काम करो इसको लेकर रखता हूँ मैं। और अभी बैट्स को ढूंढने के लिए मैं आ चुका हूँ केव के अंदर, और वैसे भी बैट्स केव के अंदर ही मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे दूर दूर तक कोई बैट नहीं दिख रहा है, तो काम करता हूँ और अंदर आता हूँ। अरे यार देखो मुझे यहाँ पे डायमंड तक मिल चुका है लेकिन यहाँ पे बैट नहीं है। और अभी देखो मुझे अंदर तो नहीं मिला बैट, लेकिन एक बहुत अच्छा आइडिया है मुझे यार, देखो अभी मैं यहाँ पे बनाऊंगा एक रूम, और फिर वो रूम को मैं कर दूंगा पूरा पूरा पैक। तो काम करता हूँ यहाँ पे मैं बिल्ड करना स्टार्ट करता हूँ वाला रूम, और जब उस वाले रूम के अंदर कोई भी लाइट नहीं आएगी तो फिर वहाँ पे स्पॉन होना स्टार्ट हो गए बहुत सारे बैट, और फिर बस उनमें से एक बैट को मैं लेके आ जाऊंगा बाहर। और बस ये रहा आखिरी वाला ब्लॉक, देखो यहाँ भी बन चुका है मेरा रूम, या लेकिन अब ना मुझे यहाँ से बहुत दूर भागना होगा ताकि यहाँ पे बैट स्पॉन हो पाए, और देखो शायद मैं बहुत ज्यादा दूर आ चुका हूँ अभी। और अभी मैं यहाँ पे पिछले 2 मिनट से वेट कर रहा हूँ, और अब यहाँ पे आ चुका है टाइम इसको फोड़ने का, और अब देखते हैं कि इसके अंदर बैट है कि नहीं है। यार देखो यहाँ पे तो बैट ही बैट स्पॉन हो चुके हैं, या तो काम करता हूँ इनमें से एक को मैं रखता हूँ अपने हाथ में, और ये देखो ये आ चुका है मेरे हाथ में एक बैट, और एक काम करता हूँ इसको लेके चलता हूँ मैं बाहर। और देखो ये रहा यार आखिरकार बैट और फिश, या लेकिन देखो यहाँ पे बैट को क्या हो गया भाई, तो उल्टा लटका हुआ है, और देखो यहाँ पे भाई फिश अभी भी जिंदा है। तो काम करता हूँ पहले मैं यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, और यहाँ पे पहले मैं निकालता हूँ इस बैट का हार्ट, और फिर मैं निकालता हूँ फिश का हार्ट, और ये रहा देखो फिश का हार्ट, काम करता हूँ इसको रखता हूँ पहले, और ये रहा देखो बैट का हार्ट। और अब यहाँ पे टाइम आ चुका है किन लोग के हार्ट को स्वाइप करने का, तो अब बैट का हार्ट जाएगा फिश के अंदर, और फिश का हार्ट जाएगा बैट के अंदर, और देखते हैं क्या होता है। और अब इनके हार्ट चेंज हो चुके हैं, और अब देखते हैं यहाँ पे कोई ना कोई तो कुछ करने वाला। और देखो यहाँ पे फिश भाई एकदम से फ्लाई करने लग गई है, और अब देखो कहीं तो भाग रही है, और देखो इस साइड में केव है, और शायद अभी ये जाएगी इस केव के अंदर, या देखो इसके अंदर बैट की आत्मा है। तो एक काम करता हूँ अभी मैं चलता हूँ इस केव के अंदर। अरे यार भाई कहाँ का भाग रही है। और अभी देखो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ केव के बहुत अंदर में, और अभी देखो ये आ चुका है पानी के अंदर, और शायद अभी उसके अंदर स्विम करने का ट्राई कर रहा है। लेकिन एक मिनट देखो यार इसको तो पानी के अंदर रह के भी बहुत गंदा वाला डैमेज होना स्टार्ट हो रहा है, देखो क्या गंदा डैमेज हो, और आखिर में यहाँ पे इसकी मौत हो चुकी है। तो काम करो अभी तुम लोग कमेंट में लिखो आ रहा है भी फिश, या तो काम करते हैं अब देखते हैं कि बैट के साथ क्या हो रहा है। और अभी देखो यहाँ पे जो बैट है ये अभी यहाँ पे फ्लाई करने का ट्राई कर रहा है यार, लेकिन भाई अपने पंख का यूज ही नहीं कर पा रहा है ये, और अब बस ये भाग पा रहा है। तो काम करता हूँ मैं इसको फॉलो करता हूँ, और देखो अभी ये घुस चुका है पानी के अंदर। अरे यार भाई कोई तो उसको बताओ कि ये बैट है और ये कोई फिश नहीं है। तो काम करता हूँ अब घुसता हूँ मैं भी इसके साथ पानी के अंदर, और अभी देखो कुछ टाइम के लिए तो अपनी सांस को रोक रही है या लेकिन बहुत देर तक नहीं रोक पाएगा। और देखो यहाँ पे इसको डैमेज होना स्टार्ट हो चुका है, और अभी यहाँ पे हम दोनों के बीच कॉम्पिटिशन होगा कि यहाँ पे पहले किसकी मौत होती है। और देखो यहाँ पे इसकी मौत हो चुकी है, और मैं आ जाता हूँ बाहर। और अब यहाँ पे बारी आखिरी दो मॉब्स की, और उसमें से एक हूँ मैं, और मेरे सामने रहेगा चिकन। लेकिन उससे पहले कि मैं यहाँ पे अपना और चिकन का हार्ट बाहर निकालू, देखो लेकिन बस तुम लोग के लिए मैं यहाँ पे दो एक्स्ट्रा मॉब का हार्ट चेंज करने वाला हूँ, और वो दो एक्स्ट्रा मॉब होने वाले हैं स्पाइडर और पिग। और अभी देखो बोलते बोलते जस्ट मेरे सामने आ चुका है सुअर, तो एक काम करते हो पहले तो पकड़ दो इस सुअर को, और अभी इसको लेके चलते हो अपनी एक्सपेरिमेंट वाली जगह में। और अभी जाके जल्दी से मुझे लेके आना पड़ेगा एक स्पाइडर को, और उसी के लिए मैं आ चुका हूँ इसी केव में जहाँ पे मैं पहले ढूंढने के लिए आया था बैट को। लेकिन अभी यहाँ पे ना मुझे स्पाइडर पक्का मिलने वाले, देखो यहाँ पे इनके जाल कितने, और ये रहे देखो। अरे यार भाई लोग तो क्या मार रहे मुझे। तो काम करता हूँ अब मैं इसको करता हूँ अपने हाथों से ग्रैब, और देखो अभी आ चुका मेरे हाथ में। तो काम करता हूँ मैं इसको लेके चलता हूँ बाहर, और देखो ये रहे मेरे चंगू मंगू। तो अभी यहाँ पे टाइम आ चुका है इन लोगों को हार्ट बाहर निकालने का, तो पहले मैं यहाँ पे निकालता हूँ सुअर का हार्ट, और फिर मैं निकालता हूँ यहाँ पे स्पाइडर का, और ये रहा देखो स्पाइडर का हार्ट, और ये रहा देखो सुअर का हार्ट। और अब फिर से एक बार टाइम आ चुका है कि मैं इन लोगों के हार्ट को एक्सचेंज करूँ। तो काम करता हूँ पहले तो मैं यहाँ पे डालता हूँ स्पाइडर का हार्ट इस पिग में, और इस पिग का हार्ट स्पाइडर में। तो काम करते हैं अब देखते हैं कि पहले यहाँ पे कौन क्या करता है। देखो यहाँ पे हल्का फुल्का ये जो सुअर यहाँ वहाँ भाग रहा है। अरे यार भाई तो मार रहे मुझे। और अभी देखो यहाँ पे इसने बहुत सारे कॉप वेब भी लगा दिया है। अरे यार करना क्या चाहता है ये। और अब तो ये पेड़ से पूरा चिपक चुका है, और अभी एकदम टॉप में पहुंच जाएगा शायद पेड़ के। और देखो यहाँ पे भी इसने पूरे कॉप वेब डाल के रख दिया है, और आज से बन चुका है सुअर मैन। और अब आ रही स्पाइडर की, और भाई एक मिनट, अच्छा वो रहा एकदम दूर में देखो। अरे और बहुत एकदम भागने का शौक है, और रुको इसको एक मार दो फाइट। अरे यार देखो इसको एक फाइट मारने के बाद भी इसने मेरे ऊपर अटैक नहीं किया। तो काम करते एक फाइट और मार दो इसको। और अभी देखो
देखो मेरे हाथ में यहाँ पे है गाजर, इसके कारण ना अभी मुझे फॉलो करने वाला है। और एक काम करते, इसको मैं लेके आता और इसको मैं फेंक देता हूँ पूरे पूरे गाजर। और भाई तू खा आराम से, और अब क्योंकि ये मेरा पेट बन चुका है तो काम करते एक बार इसको मार के देखते हैं और फिर उसके बाद मुझे क्या मिलता है वो देखूंगा मैं। इसको ऑलरेडी मैं 4-5 हिट मार चुका और ये रहा आखिरी हिट। देखो यहाँ पे इसकी मौत हो चुकी है और देखो अभी इसके मरने के बाद मुझे यहाँ पे मिला है पोक चॉप। तो काम करो यहाँ पे तुम लोग कॉमेंट में लिखो आरएबी स्पाइडर। और अब आखिरकार यहाँ पे मौका आ चुका है आखिरी के 2 मॉब्स का हार्ट चेंज करने का, और उसमें से एक मॉब तो है देखो ये चिकन, जिसको कि मैं ऑलरेडी यहाँ पे लेके आ चुका हूँ, और जो दूसरा वाला मॉब है वो मैं। तो अभी तुम लोग सोच रहे हो कि यार यहाँ पे अभी हम लोग के हार्ट कौन निकालेगा, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे बुलाया एक गेस्ट को जो कि है डैश। अरे तू चुपचाप लेट यार, मैं अभी निकालूंगा तेरे हार्ट्स और मुर्गी के भी हार्ट। अरे यार भाई मैं रुक, देख ये आखिरी वाला बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि इसके पहले मैं मॉब्स के हार्ट चेंज करा था, लेकिन इस बार एक प्लेयर है और सामने में एक मॉब है। तो एक काम कर तू अभी रख इस शेयर को, और अभी मैं यहाँ पे लेटता हूँ पहले इस चिकन के बाजू में। और एक काम कर पहले तू निकाल इस चिकन का हार्ट और फिर उसके बाद तू निकालना मेरा हार्ट। और अभी देखो डैश एकदम सही कर रहा है सब कुछ, और बस मेरा हार्ट बाहर निकलते मैं कुछ टाइम तक कुछ नहीं बोल पाऊंगा। तो ये मैंने डाल दिया मुर्गी का हार्ट राहुल के अंदर और राहुल का हार्ट मुर्गी के अंदर। और एक मिनट देखो जस्ट अभी मेरी यहाँ पे आँख खुली है और मैं यहाँ पे बन चुका एक चिकन, और देखो मेरे बाजू में राहुल। अरे यार ये तो मैं हूँ यार। अरे यार लेकिन एक मिनट, अरे यार अब मैं फिर से प्लेयर कैसे बनूंगा? अरे यार शिट, इस चीज के बारे में तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया था। अरे यार अब मैं फिर से राहुल कैसे बन पाऊंगा? और बस मैं इसी चीज का वेट कर रहा था अभी तक के। अरे यार मार क्यों रहा है तू? मेरे घर से सब कुछ चोरी करके भागा है, मेरे आइटम कार सब कुछ। अरे यार भाई अभी मौज मस्ती करने का टाइम नहीं है अभी, और अभी मुझे यहाँ पे नॉर्मल प्लेयर बनना है। अरे कहाँ भाग रहा है तू? अरे पकड़ो इसको, आज तो चिकन खाने मिलेगा। अरे यार अब लगता है कि यहाँ पे डैश पूरा पागल हो चुका है। तो काम करता हूँ अब मैं तुमसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और अगर तुमको इसका पार्ट 2 चाहिए तो इस वीडियो में मुझे लाइक चाहिए 8K। बाय।